चिंतन विश्वामित्र संवाद है। इसमें क्या कहते हैं, त्रक्षुत्वा वचनम तस्य स्नेह पर्याकुलाक्षरम समन्यो कौशिको वाक्यम प्रातवाच महीपतिम। कहते हैं राजा दशरथ की बात को एक एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि हे राजा दशरथ, हमने आपके बारे में जितना सुना था कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी है। क्या कमी है? कहते हैं कि पूर्वमर्थम प्रतिश्रुत्यम प्रतिष्ठा हा तुम इच्छसी राघवाणाम प्रयुक्तोयम कुलास्या शिवपर्ययः। राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करते हो और बाद में उसे तोड़ना चाहते हो। कैसे? प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के योग्य तो नहीं है। याद दिलाया उनने, कल हमने रघुवंशी की बात बताई थी आपको कि रघुवंश का क्या मतलब है, रघु कौन थे। और कहते हैं यह वर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसके लिए बोला गया, यदि आप ऐसा करते हैं, आप अपने वचन से यदि हटते हैं तो निश्चित ही आपके कुल का विनाश होने वाला है। यदि दम ते क्षमं राजन गमिष्यामि यथागतम मिथ्या प्रतिज्ञा काकुत्स्थ सुखी भव सुद्रतः। कहते हैं हे राजन, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसे आया था वैसे चला जाऊंगा। मुझे खाली हाथ जाने में कोई समस्या नहीं है। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके अपने हितैषियों के साथ में सुख भोगो। क्या करके? प्रतिज्ञा को झूठी करके। ऐसा कैसे होगा? तस्य रोषे परीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः वचाल वशुधा कृतस्ना देवानां च भयं महत। बुद्धिमान विश्वामित्र कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। देवताओं को लगा महाराज विश्वामित्र, तपस्वी विश्वामित्र बड़े क्रोधी रहे अपने जमाने के, और तपस्वी वैसे भी जितना सरल होता है उतना कठिन भी होता है। वो किसी का नुकसान तो नहीं चाहता, लेकिन इसके बाद भी उसका एक अपना अलग तरीका होता है। वो किसी का नुकसान करेगा नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बताया था आपको, शुरू में ही सौदास मुनि की कथा बताई थी हमने कि शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम नहीं किया था तो भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए थे। तो गुरुजी यदि नाराज हो जाएंगे तो निश्चित ही समस्या आ जाएगी। तो कहते हैं त्रस्त रूपम तो विषाय जगत सर्वे महान ऋषि नृपतिम सर्वतो धीरो वशिष्ठो वाक्यम ब्रवीत। उनके रोष से सारे संसार को त्रस्त हुआ। जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री चित्त महर्षि वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा। देखिए यहां पर महर्षि वशिष्ठ ने जब देखा कि काम गड़बड़ है, विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं, अब तुम संभालो अपने को, मैं चला, मुझे नहीं चाहिए। तो वशिष्ठ जी को लगा जब अब काम गड़बड़ है, तो वशिष्ठ जी ने वहां पर